बुलेटिन के आगाज में आपको बताऊं कि जनूबी छावनी में खातून की मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून ने 8 साल कबल आसिफ से पसंद की शादी की, आसिफ से झगड़े के बाद अलहदगी हो गई। खातून ने साबिक शोहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगा ली। खातून का साबिक शोहर सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद। बिल्कुल जी, लाहौर का इलाका है जनूबी छावनी का, जहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया पेश आया, जिसमें खातून के जो है पुरसरार तौर पर आग लगने का वाकया जब सामने आया तो रेस्क्यू टीम भी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और ये इतला मिली कि एक खातून को किसी शख्स ने जो है सरेराज सड़क पर आग लगा दी है पेट्रोल छिड़क कर। लेकिन पुलिस की जानिब से जब इन्वेस्टिगेट किया गया और रेस्क्यू टीमों ने खातून जिसकी 70% जिस्म के जो हिस्सा है वो जल चुका था उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस की जानिब से जब ये इस पे मजीद तहकीकात की गई तो एक चीज सामने आई कि खातून ने खुद सोजी की कोशिश की और क्लोज सर्किट फुटेज जिसको सीसीटीवी फुटेज कहा जाता है उससे मामला वाजिया हो गया है। खातून ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और खातून ने 8 साल कबल आसिफ नामी एक शख्स से पसंद की शादी की थी, ये पुलिस की जानिब से बताया गया। आसिफ से झगड़े के बाद अलहदगी हो गई थी। खातून ने अपने साबिक शोहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगाई। खातून का साबिका शोहर एक सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है और खातून का एतराफी बयान जो है वो पुलिस की जानिब से लिया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वाजह तौर पर दिखाई देता है कि दफ्तर के बाहर खातून आती है और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कती है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वो खुद को आग लगा लेती है और इसी दौरान वो आग लगने से जख्मी भी होती है और हॉट पाइप पे रेस्क्यू टीमों को जो है मौके पर तलब किया जाता है। जब रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंचती है तो खातून का 70% जिस्म के जो हिस्सा है वो जल चुका होता है, जिससे उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। लेकिन लोगों की जानिब से इब्तदाई तौर पर पहले ये बताया जाता है कि खातून को एक शख्स ने पेट्रोल फेंक कर उसके जिस्म को आग लगा दी थी, लेकिन जब क्लोज सर्किट और सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आई तो मामला कुछ और निकला। खातून जो है वो अपने शोहर के साथ उसकी नाचाकी थी, उसने पसंद की शादी कर रखी हुई थी, जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें ये चीज सामने आई है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वो खुद अपने आप को आग लगाती है, पेट्रोल छिड़कती है और आग लगाकर अपने आप को जो है वो जख्मी कर लेती है, जिसको जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जो उसका शोहर है उसको भी हिरासत में लिया है और उससे बयान कलम बंद किया जा रहा है, उससे तफ्तीश की जा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद को जो है आग लगाने की आग लगाई बल्कि और अपने जान देने की कोशिश की है। अब इस बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट पुलिस की जानिब से की जा रही है। जी।